अरे क्या हुआ भाई, तू लटका क्यों ऐसे? अरे भाई देखा नहीं, तूफान आया था, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। काट के गले। अरे काले हे जी, पांच गो नमरी धैले रहनी, हमें से दू गो गायब बा। हाँ तो हम क्या जानता नहीं, हमरा के सुनावत रू। अभी ये लागी लात गिरे, सच सच बता दा का भइल। ओ नमरी पे घघरे उठा तलनु तो वही में लाग गउए। अब तो दारू पीने के पैसे भी है मेरे पास, बस अब दिल तोड़ने वाली लड़की की जरूरत है। नमस्कार प्रणाम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं, तरह तरह की आवाज निकालते हैं। हाँ तो भाई साहब, आप शेर का आवाज निकाल के बताइए तो। ये तो बकरी की आवाज, शेर से डर लगता है इसीलिए। रिपोर्टर एक बात पूछे। हाँ पूछो। बिना चैन का साइकिल चल सकता है कि? अरे नहीं रे, कैसे चलेगा? धक्का मार के देखो ना, जरूर चलेगा। प्रीति का भइल बहु? हमर माई हमरा के डांटलक। काहे हो? हम भोरे से खानो नहीं की खइबे। पागल हो का? चलो हम तारा के बर्गर खियावा तानी। कातना अच्छा बाड़ हो तू, काश तोहरे खानी एगो हमर भाई रही। दोस्तों आज रात में पंखे के नीचे सो रहा था, फिर भी बहुत जोर से गर्मी लग रही थी। फिर मैंने जाके पंखा चालू किया, तब हवा आने लगी। हाँ वो ससुराल में दामाद को इतना सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि ससुराल वाले जानते हैं कि यही वो महान इंसान है जिसने उनके घर के तूफान को संभाल रखा है।